हेलो जी, आज के दिन में सबसे कमाल की चीज़ हुई थी बारिश। उसके अलावा कुछ इतना खास हुआ नहीं था और दिन बाकी नॉर्मली गुजरा था सारा। लेकिन आई डोंट केयर मच, क्योंकि मैं देखने जा रहा हूँ मूवी, और मूवी भी जो मैं देखने जा रहा हूँ वो है टीफा इन ट्रबल। क्योंकि टीफा जी ट्रबल में है बहुत ज़्यादा, तो उनकी हेल्प करना तो बनती है यार थोड़ी सी। अली जफर और माया अली आर कास्टिंग इन दिस मूवी, सो कास्टिंग स्टारिंग स्टेयरिंग जो भी वो, अब हम देखने जा रहे हैं और इसके रिव्यूज़ भी मैं आपको दूंगा। भाई आई डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ दिस फिल्म, बट टीफा इज इन ट्रबल, इज इन ट्रबल मैन। ये फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो आप सिनेमा के सीन्स चेक कर। जिसने ये फिल्म नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा आई थिंक। ब्रूस ली की औलाद, स्पेक्टाकुलर मूवी अली जफर माया अली, बहुत कमाल की मूवी थी। रिव्यू टाइम मैं आप दे रहा हूँ ना, फिर क्या मसला है, मसला क्या है यार, वो सब जो है ना साइड पे रखते हुए। ग्रेट एक्शन, ग्रेट कॉमेडी, ग्रेट रोमांस, एवरीथिंग वाज ऑसम। अली जफर डिड अ ग्रेट जॉब। टीफा जी जो थे ना शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रबल थी, लेकिन है ही गॉट आउट एवरी टाइम एंड सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन थी उनके पास। एंड दोनों ही माया अली और अली जफर पागल थे, लेकिन दे डिड अ ग्रेट जॉब एंड इट वॉज ग्रेट सिनेमैटिक्स एंड दैट सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एंड डायरेक्शन, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट मैन। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा से कह रहा हूँ क्योंकि आई कैन सी दैट मूवी इन माई माइंड एंड इट्स स्पेक्टैकुलर। पोलैंड में शूट की थी, ब्यूटिफुल सीन्स, और आई वुड गिव इट अ सॉलिड 8.99 आउट ऑफ 10। सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे थे और इट वॉज वेरी नाइस, लाइक कॉमेडी भी थी और रोमांस भी था, एक्शन भी कमाल का था। अली जफर ही डिड सो मच ऑसमनेस। और बस आज के लिए यार इतने ही रिव्यू मैंने आपको दे दिया डिफेंड ट्रबल, ज़रूर देखिएगा जिस जिसको मौका मिले, इट्स अ मस्ट वॉच। सबसे गंदा अगर मुझे एक्सपीरियंस मिला है किसी भी मूवी का वो था जब हैरी मेट सेजल देखने गया था, टेरेबल मूवी। लेकिन इस मूवी ने उसके भी पैसे पूरे कर दिए और इट्स वर्थ वॉचिंग वेट। और आज के लिए बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं करा मैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये रिव्यू मैंने देना था आपको और दे दिया, तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।